खबर शामिल करते हैं जद्दा से, जहां सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर अल-फजर बैडमिंटन क्लब जद्दा के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत पर तफसीली रोशनी डाली गई। तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार नसर इकबाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, इसलिए हम इनके नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया में फलाही और समाजी काम करने चाहिए। तकरीब मुंतज़मीन राजा बशीर, ज़िया मुस्तफ़ा, अब्दुल शकूर, आमिर शहजाद, बाबर, इमरान मेमन, मोहम्मद शाहिद ने अपने खुतबात में कहा कि हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने बच्चों को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात से आशना करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात पर अमल पैरा करके ज़िंदगी बसर करें। तकरीब में मोहम्मद फरहान, जहांगीर खान, असगर खान, मोहम्मद सगीर, इरशाद, बिलाल, हामिद, शबीर और दीगर भी शरीक हुए और उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं।